नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, जब बात भारत और पाकिस्तान की होती है तो माहौल अपने आप ही गर्म हो जाता है, फिर चाहे बात राजनीति की हो, क्रिकेट की हो या फिर सिनेमा की। बॉलीवुड ने जब जब भारत और पाकिस्तान वाले फार्मूले को अपनाया, वो हमेशा ही हिट रहा। उदाहरण के तौर पर हम गदर एक प्रेम कथा, वीर जारा, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों को ले सकते हैं। एक ऐसी ही फिल्म थी हीना, जो अपने सुपरहिट गीतों की वजह से आज भी याद की जाती है। फिल्म भारत और पाकिस्तान के पृष्ठभूमि पर आधारित है। जब एक तूफानी रात में फिल्म के हीरो ऋषि कपूर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, फिर शुरू होती है प्रेम, दर्द और बिछोह की कहानी। इधर नायक की यादाश्त चली जाती है और पाकिस्तान में हीना नाम की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उधर उसकी दूसरी प्रेमिका उसके इंतजार में नजरें बिछाए बैठी हुई है। फिल्म का अंत भी दुखद ही रहता है, क्योंकि हीना की अंत में मौत हो जाती है। फिल्म में दोनों मुल्कों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया गया है। अगर आज मुमकिन है कि इस धरती पर हम सब अमन से, चैन से, खुशी से जी सकते हैं, तो फिर क्यों तकलीफों का, जंग का चुनाव करता है इंसान, क्यों? वैसे अगर इस फिल्म पर बातें करें तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल हमारा ये एपिसोड दूसरे विषय पर आधारित है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म की लीड एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की, जिनके किरदार के नाम पर इस फिल्म का शीर्षक है। राज कपूर साहब ने बॉलीवुड को ना जाने कितनी बेहतरीन अभिनेत्रियों से रूबरू कराया, फिर चाहे वो जीनत अमान रही हो, सिमी ग्रेवाल, वैजंती माला या फिर मंदाकिनी। ये लिस्ट बड़ी लंबी है। इन्हीं नामों में से एक नाम ज़ेबा बख्तियार का भी रहा है, जिन्हें हम राज कपूर की अंतिम खोज कह सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हीना ज़ेबा बख्तियार की बॉलीवुड की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का थोड़ा हिस्सा ही शूट हो पाया था कि राज कपूर साहब इस दुनिया से चल बसे। बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को पूरा किया और इस तरह से कहा जा सकता है कि ज़ेबा राज कपूर साहब की अंतिम खोज थी। तो आइए जानते हैं ज़ेबा बख्तियार के निजी जीवन और उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के क्वेटा में हुआ था। इनके माता पिता की 4 संतानें थी, 2 भाई और 2 बहनें। ज़ेबा का असली नाम शाहिन था। इनके पिताजी याहिया बख्तियार पाकिस्तान के नामी सियासतदानों में से एक थे तथा पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रहे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वेटा से ही पूरी करने के बाद ये इस्लामाबाद चली आईं। वहीं से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही मात्र 19 साल की उम्र में इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान ही इनके कुछ दोस्तों ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हें फिल्मों में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सुखी ज़ेबा म्यूजिक आर्ट कल्चर की भी पढ़ाई कर चुकी थी, इसलिए उनका रुझान फिल्मों की तरफ भी था। दोस्तों के कहने पर ये एक स्टूडियो में पहुंची, जहां पर इनकी खूबसूरती की बदौलत इन्हें एक टीवी सीरियल में काम मिल गया। लेकिन अब ज़ेबा के सामने एक नई मुश्किल पैदा हो गई। दरअसल ज़ेबा के घर वाले नहीं चाहते थे कि ज़ेबा फिल्मों में काम करें, लेकिन ज़ेबा ने अपने सपनों को दबने नहीं दिया। परिवार के लाख मना करने के बावजूद इन्होंने अनारकली टीवी सीरियल में काम किया। अनारकली की सफलता के बाद इनकी खूबसूरती के किस्से हिंदुस्तान तक पहुंचे। राज कपूर साहब को अपनी फिल्म हिना के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म की राइटर हसीना मोइन ने राज कपूर साहब को इसके लिए ज़ेबा का नाम सुझाया। दरअसल हसीना मोइन खुद ही पाकिस्तान से ही थी और ज़ेबा की सफलता से काफी प्रभावित थी। फिल्म शुरू तो हुई, लेकिन राज कपूर साहब के निधन के कारण बीच में ही रुक गई। इसी बीच ज़ेबा अभिनेता जावेद जाफरी के संपर्क में आई और दोनों ने 1989 में शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी भी एक साल ही चल पाई और दोनों ने 1990 में तलाक ले लिया। फिल्म हिना को बाद में रणधीर कपूर ने पूरा किया। 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। भाई, हफ्ते भर से बिस्तर में पड़े हो, दूध नहीं पियोगे तो कमजोरी कैसे दूर होगी? मैंने तो नूरी को भी कह दिया कि रोज ज्यादा दूध दिया करे, पर तेरा तो ढंग ही निराला है नूरी। तुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं होती, ना खुशी की ना गम की। हिना का पिस जाना तो उसकी किस्मत ही सही, पर उसके
उसके रंग का निखार तो तुम्हारे हाथों में है ना। हिना की सफलता ने जेबा को बॉलीवुड में और कई फिल्में दिलवाई, जैसे कि मोहब्बत की आरजू, स्टंटमैन, जय विक्रांता आदि। इनमें से जय विक्रांता ही औसत हिट रही। बाद में इन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। 1995 में इन्होंने अदनान सामी के साथ फिल्म सरगम की। जेबा ने 1992 में सलमान वालियानी से तलाक लेकर 1993 में अदनान सामी से शादी भी कर ली थी, पर यह शादी भी ना चल सकी और 1997 में दोनों का तलाक हो गया। अदनान और जेबा का एक बेटा भी है, अजान सामी खान। जेबा अदनान से तलाक और उसके बाद बेटे अजान की कस्टडी को लेकर भी सुर्खियों में रही। जेबा ने बॉलीवुड और पाकिस्तान फिल्म मिलाकर लगभग 12 फिल्मों में काम किया है। वहीं इन्होंने कुछ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में भी काम किया, साथ ही साथ इन्होंने कई फिल्में और टीवी सीरियल्स का निर्देशन भी किया है। फिलहाल जेबा अपने बेटे और बहू के साथ कराची में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहे। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, ताकि वहां से आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।